नमस्कार दोस्तों, टेक गाइड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म किस तरह से भरना है, और जब तक आप यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपको जो भी आप कमाओगे यूट्यूब से पेमेंट या फिर वेबसाइट से पेमेंट कमाओगे, पैसा कमाओगे, वो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, यानी होल्ड पर रख दिया जाएगा जब तक यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरोगे तब तक। तो यहाँ पर एक बंदा था जिसने मुझे कॉन्टेक्ट करा है और उसने मुझे बताया कि मेरा एडसेंस प्रॉब्लम है कुछ ऐसा वैसा, तो मुझे कॉन्टेक्ट करा था उसने और व्हाट्सएप पर मैसेज भी काफी सारे करे थे। तो उसने मुझे आईडी पासवर्ड दिया है, ठीक है, और मुझे अभी क्या करना है कि एडसेंस अकाउंट है उसको फिक्स करना है। और उन्होंने क्या करा था कि जो फॉर्म भरा था एडसेंस का, तो वो कुछ गलत तरीके से भरा था, तो ऐसा नहीं भरना है। तो मैं वही आज इस वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो ये रहेगा यूएस टैक्स फॉर्म किस तरह से भरना है, और उसने जो मिस्टेक करी थी वो उसमें मुझे सुधार करना है। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि यूएस टैक्स किस तरह से फॉर्म भरना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको जैसे मैं दिखाऊंगा उसी तरह से सेम प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और जल्दी से जल्दी यूएस टैक्स फॉर्म भरते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउजर ओपन करा है। इसके बाद में एडसेंस सर्च करना है, और एडसेंस सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछ तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल एडसेंस का यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिलेगा, तो इस पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं पीसी लैपटॉप में यह कर रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल में भी इस तरह से सेम कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस तो देखने को मिलता है, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, और हमारा जो भी जिस भी जीमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट हमने बनाया है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जीमेल आईडी मैंने लॉगिन कर रहा हूँ, तो इसी से हमारा यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, मतलब ये दूसरे बंदे का है, उसने मुझे आईडी और पासवर्ड दिया है और ये मैं एडसेंस फिक्स कर रहा हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, और यूअर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस पेमेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये एक्शन का बटन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा वेट करें, यहाँ पर मेरा जो नेट है यहाँ पर ये स्लो है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये सब रेड रेड दिख रहा है, तो हमें मैनेज टैक इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। तो जो भी यहाँ पर देख सकते हैं इस बंदे ने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पर फॉर्म भरने में, ठीक है, फॉर्म भरने में यहाँ पर गलती करी है, इसलिए ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको नए से यहाँ पर वाले हैं, न्यू फॉर्म भरने वाले हैं, तो सबमिट न्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट न्यू फॉर्म, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, और देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, ये रही जीमेल आईडी। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे कि किस आईडी से हमारा एडसेंस अकाउंट है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड डाल देता हूँ। गाइस, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी ये फॉर्म हमें यहाँ पर भरना है, ठीक है, तो ये दूसरे बंदे का है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज गामित विल्सन कुमार किशन भाई, ठीक है, किरण भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यू आर अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो नो, ठीक है, तो नो करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है।
तो जैसे भी मैं आपको बताऊंगा इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप बैंड पार्टी की वीडियो बनाते हैं यानी इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन हर इंडियन को इस तरह से सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं सिलेक्ट डब्ल्यू एड टैक्स फ्रॉम टाइप, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, डब्ल्यू एड बी ई एन, ठीक है। तो स्टार्ट डब्ल्यू एड बी ई। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो नाम है वो आ गया है, और इसके बाद में ये जो है ये ऑप्शनल दिख रहा है, तो ये इसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सी कंट्री के हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये इंडियन का है और मैं भी इंडियन हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इंडिया कहाँ पर आया। गाइस तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं, अभी यहाँ पर हमें देख सकते हैं ये इंडियन इंडिया मिल चुका है। इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फॉरेन टी आई एन, तो ये जो है ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, यहाँ पर हमें डालना है अपने पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पैन कार्ड का नंबर जो है वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चेक करने का एक बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद में यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एड्रेस भर के रखा है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है वो आ गया है। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू क्लेमिंग अ रिटेड, तो यहाँ पर रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, और ये चेक बॉक्स है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है। हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये इंडिया आ गया, और ये हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल एंड पैराग्राफ। तो इसके ऊपर आर्टिकल 7 ये हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद 0 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये हमने 0 के ऊपर क्लिक करा, उसके बाद में ये चेकबॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और दूसरा इसके ऊपर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और आर्टिकल 12, और उसके बाद में यहाँ पर 15%, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे, और दूसरा जो बॉक्स दिख रहा है इसमें भी हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। तो और यहाँ पर भी हम आर्टिकल 12 लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर 15% लेंगे, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू इंटरफेस आ जाएगा थोड़ी देर में। तो थोड़ा मेरा यहाँ पर नेट जो है वो स्लो चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से यूएस टैक्स फॉर्म हमें भरना होगा, ठीक है। आपको भी भरना है अगर बैंड पार्टी की है या इंडिया में रहने वाले हो, तो भी आपको सेम इसी तरह से आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। गाइस तो इसके बाद में देख सकते हैं एक्टिवेट एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस, तो इसमें हमें नो करना है और चेकबॉक्स में क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, और इसके बाद में देख सकते हैं ये जो एक्सेप्ट का एक चेकबॉक्स मिलेगा इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और इसके बाद में ये जो एक ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो दूसरा वाला सिलेक्टेड है इसको ही रहने देना है, उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर 7 नंबर का जो है वो
स्नैपटी एंड सिंक, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद में देख सकते हैं एक यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2020, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये जो टैक्स फॉर्म है ये 2020 से ही लागू हुआ था, ठीक है। तो हमने पहले ही भर दिया था और ये दूसरे बंदे का है, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें हमें कुछ भी लिखने का नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल दिखा रहा है, तो हमें कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, तो जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का एंटरप्राइज हमें देखने को मिलेगा। अभी देख सकते हैं योर सिग्नेचर का एक पेज मिलेगा और यहाँ पर हमें यस करना है और इसके बाद में सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर में एंटरप्राइज आ जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर पूरा जो इंफॉर्मेशन हमने भरा था न्यू से, तो इस बंदे ने मिस्टेक कर दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं यूअर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और देख सकते हैं सब क्लेम क्लेम क्लेमेड, ठीक है। तो हमारा जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से भर दिया है। तो इस तरह से आप भी भर सकते हैं गाइस। तो देखा आपने कि किस तरह से यूएस टैक्स फॉर्म भरा जाता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर वेबसाइट चलाते हैं तो भी आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरना ही होता है। और अगर हमारे आदिवासी एरिया में जो बैंड पार्टी वाली की वीडियोस होती है, अगर आप की भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो हर किसी को यूएस टैक्स फॉर्म भरना है लेकिन सही तरीके से नहीं भरते, इसलिए अपना मोनेटाइज भी होल्ड मोनेटाइज रहता है लेकिन अपनी जो पेमेंट होती है वो हमारे अकाउंट में आने के लिए होल्ड हो जाती है जब तक आप यहाँ पर यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरते तब तक, ठीक है। तो आपको इसी तरह से यूएस टैक्स फॉर्म भरना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो आपने देखा है कि पूरा का पूरा जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाया, पूरा वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो इस तरह से सेम बनना है। और पूरा क्लेम 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 इस तरह से दिखाया, अप्रूवल भी तुरंत मिल गया, इस तरह से आपको भी मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो ध्यान से देखे, एक बार नहीं दो बार देखे, उसके बाद में आप यूएस टैक्स फॉर्म खुद भर सकते हैं। अगर भरवाना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा तभी मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद में जब आपका काम हो जाएगा उसके बाद में आप खुद आपको क्या करना है कि पासवर्ड चेंज कर देना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और उसके बाद में चेंज कर देना है, यानी मुझे भी पता नहीं चले कि कौन सा पासवर्ड है, ठीक है, वो आपको इतना सा काम करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसी खास इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। बाय बाय।